करेंगे एक्सरसाइज 9.3। स्टार्टिंग के कुछ समय सिखाऊंगा और आगे आप लोग को बोलूंगा करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपको टॉपिक सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 निकालो टेक्स्टबुक फटाफट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका रहता है ना, वो डिनोमिनेटर में आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन कंडीशन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। Probability of A by B is A intersection B upon probability of B. Probability of B by A is A intersection B upon probability of A. Remember these both formulas. These both formulas represent what? They represent conditional probability ka formula. They represent conditional probability ka formula. Conditional probability. So these two formulas represent what? Conditional probability. आज ही के lecture में अगर time बचेगा तो हम लोग पढ़ने वाले independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है उसमें भी यही फॉर्मुला यूज होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है सिर्फ फॉर्मुला में। तो आगे लेके चलते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं, लिख द स्क्रीनशॉट। डन गाइस, थोड़ा रफ करने का हालत में आ, फास्ट है तो प्लीज स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से लिखने को रेडी हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट सम। मैं स्टार्टिंग कुछ सम्स को थोड़ा टाइम लेके सिखाऊंगा क्योंकि हर एक का सेम लेवल पे समझ में नहीं आता। ठीक है, किसी को टाइम लगता है समझने में, मैं हर एक इंडिविजुअल से पूछूंगा समझ में आएगी नहीं समझ में। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पे 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड देन 4 ब्लू बॉल्स। 3 रेड बॉल है यहाँ पे और 4 ब्लू बॉल यहाँ पे। ठीक है, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स ड्रॉ किए हमने, कितने बॉल्स ड्रॉ किए? 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिया आपको। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर फर्स्ट बॉल, 2 बॉल्स ड्रॉ किया ना हमने, अगर फर्स्ट बॉल आपका ब्लू है, अगर फर्स्ट बॉल आपका रेड है, कितना चांसेस है कि सेकेंड बॉल जो होगा वो ब्लू होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो आप अच्छे से? एक बार फिर से समझते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स, ठीक है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। तो हम लोग ने वहां पे 2 मार्बल्स ड्रॉ किए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स, जिसमें से हमने 2 मार्बल्स निकाले हैं। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर फर्स्ट मार्बल रेड है, व्हाट इज द चांस ऑफ सेकेंड मार्बल एज ब्लू? तो कई सौ समझते हैं अच्छे से, तो अच्छे समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट मार्बल रेड है, कितने बॉल्स है आपके पास? 7। 7 में से फर्स्ट मार्बल रेड आने का चांस कितना है? कितना इजी, देखो 3। आंसर इज 3। हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लो सीधा। ठीक है, 7 में से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सीधा, 7 में से रेड बॉल आने का चांस कितना है? 3 रेड बॉल है और ओवरऑल 7 बॉल्स आपके पास, तो 3 रेड 4 ब्लू। 3 रेड है और 4 ब्लू है, और आपको बोला गया कि फर्स्ट मार्बल रेड है, तो फर्स्ट मार्बल रेड है तो फर्स्ट मार्बल रेड आने का चांस कितना है? 3/7। अब सेकेंड मार्बल ब्लू, सेकेंड मार्बल क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है, तो हम लोग ने तो 1 रेड बॉल पहले से निकाल लिया है। अब क्या बचा है आपके पास? 2 रेड और 4 ब्लू, तो 2 रेड और 4 ब्लू, मतलब सेकेंड बॉल ब्लू आने का चांस कितना है? 4/6। 4/6 रिप्लेसमेंट नहीं किया है, तो रिप्लेसमेंट नहीं किया है तो एक बॉल कम हो गया क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुका है। तो अब कितने बॉल्स बच गए? 2 रेड और 4 ब्लू, तो कितना चांसेस है ब्लू आने का? 4/6, एंड 4/6 कितना होता है हमारा? 2/3। 4/6 कितना होता है हमारा? 2/3।
कभी इसको लिखना पड़ेगा यार, इसको लिख के सिखाना थोड़ा अलग है, तो हम लोग को अच्छे से लिखना पड़ेगा पेपर के लिए, तो हमको लिखाना पड़ेगा ये। तो ए का है हमारा इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड, इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड, इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड। और बी क्या रहेगा मेरा, इवेंट दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, इवेंट दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड और सेकेंड इवेंट दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, ठीक है ना। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले ढूंढ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, क्लियर है कि हमारे पास तीन रेड बॉल्स हैं और चार ब्लू बॉल्स हैं, तीन रेड और चार ब्लू, कितना हो जाएगा टोटल सेवन बॉल्स। तो आउट ऑफ सेवन बॉल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट बॉल इज रेड विल बी व्हाट, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, सीधा सीधा लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, सात में से रेड आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/7। कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/7, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर अभी फर्स्ट मार्बल रिप्लेस नहीं हुआ है, इफ फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड, इफ फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड, अगर आपका फर्स्ट मार्बल रिप्लेस्ड नहीं हुआ, इफ फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड, बैग के अंदर क्या है, अभी बैग विल कंटेन क्या रहेगा, बैग के अंदर बैग विल कंटेन सिक्स मार्बल रेड बॉल्स एंड फोर ब्लू बॉल्स, टू रेड बॉल्स एंड फोर ब्लू बॉल्स, तो बैग विल कंटेन टू रेड बॉल्स एंड, यार ये हर समय वही आता है ना, तो यही लिखा जा रहा हूँ, समझ जाओ जो भी, ठीक है, दिस इज अ मार्बल्स, मोस्टली सब सम्स में वही रहता ना, तो मैं वही याद कर रहा हूँ, टू रेड मार्बल्स एंड फोर ब्लू मार्बल्स, ठीक है। इफ फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस, बैक के अंदर क्या बचा, अभी बैक के अंदर दो रेड मार्बल्स बचे और चार ब्लू मार्बल्स बचे, ठीक है। अब हम लोग को डेट इज कितना हो गया टोटल, डेट इज ऑल टूगेदर सिक्स मार्बल्स हो गए, ऑल टूगेदर सिक्स मार्बल्स हो गए हमारे पास। तो हम लोग को अभी सेकेंड इवेंट जो है बी, उस पर कंडीशन लग जाएगा, उस पर कंडीशन क्या लग जाएगा कि पहला बॉल ऑलरेडी रेड आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, कंडीशन दैट द फर्स्ट मार्बल इज ऑलरेडी रेड, कंडीशन दैट फर्स्ट रेड मार्बल इज नॉट रिप्लेस, कंडीशन दैट फर्स्ट रेड मार्बल इज नॉट रिप्लेस, पहला रेड मार्बल को हम लोगों ने वापस बैग में डाला नहीं है, फर्स्ट रेड मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड मार्बल इज ब्लू, कंडीशन दैट फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, समझा ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन है। कितना हो जाएगा गाइस, कितने ब्लू मार्बल्स हमारे पास, चार, और टोटल कितने बॉल्स है, छह, आंसर इज 4/6, द आंसर इज 2/3, सो दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। इवेंट ए क्या बोला मैंने, इवेंट ए बोला इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड, बी क्या बोला इवेंट दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू, तो फर्स्ट मार्बल रेड आने का चांस कितना था, 3/7, तो अगर मैंने बैग में मार्बल को रिप्लेस नहीं किया है तो सेकंड मार्बल ब्लू आने का चांस कितना है, तो फर्स्ट मार्बल आपने निकाल लिया, आपने एक रेड मार्बल निकाल लिया, तो अभी बैग के अंदर क्या बचा, चार ब्लू मार्बल और दो रेड मार्बल, तो ओवरऑल उसमें छह मार्बल्स बचे, चार ब्लू और दो रेड, तो कितना चांसेस है कि सेकंड मार्बल आपको ब्लू मिले, द आंसर इज 4/6 एंड 4/6 इज एक्चुअली 2/3, 4/6 इज एक्चुअली 2/3, अंडरस्टूड एवरीवन, फर्स्ट सम समझ में आया, शॉर्टकट में मैंने सिखाया, लॉन्ग कट में ऐसा लिखना है आपको, अंडरस्टूड है, बोलो आया ना, यस यस यस, विल मूव टू द नेक्स्ट सम, सर ये वाला नहीं समझा, पी बाय 4/6 कैसे आया, नहीं समझा 4/6 कैसे आया, आपको क्या चाहिए, बी बाय मतलब समझ में आया, बी पे ए का कंडीशन लगा है, रेड मार्बल पहले निकल चुका है, तो ये नोटेशन है उसका, बी बाय मतलब क्या हो गया, नोटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू कंडीशन, तो सेकंड मार्बल इज ब्लू क्या था, बी,
कंडीशन ए, तो बी बाय इसको कैसे बढ़ते हैं, बी कंडीशन है, तो हम लोग को अभी सेकेंड मार्बल ब्लू चाहिए, कंडीशन की पहला मार्बल रेड निकल चुका है, तो सेकेंड मार्बल ब्लू चाहिए मतलब फोर, प्रोबेबिलिटी क्या होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए, तो चार ब्लू मार्बल से छह में से द आंसर इज समझा, ये नोटेशन कनोटेशन अंडरस्टूड सर, और एक फॉर्मूला होता है ना सर इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी, कर सकते हैं ना वो भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए आएगा ठीक है ना, सॉरी अभी इधर डिनोमिनेटर में ए आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ठीक है अभी सुनो, ए इंटरसेक्शन बी कितना कॉमन है ए और बी में, दो कॉमन है, दो रेड बॉल्स कॉमन है, पहले वाले में क्या बोल रहा है, दो रेड बॉल्स कॉमन है बराबर, तो 2/7 हो गया, सात में से दो कॉमन है ना 2/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी क्या मेरा 3/7 2/3 2/3 आ गया 2/3 यस अंडरस्टूड, बोलो आया ना, यस सर, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, टू पर है ठीक है, आएगा अपना आंसर फर्स्ट का, द आंसर इज 2/3, द आंसर इज 2/3, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू ना, 2/3, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू इज 2/3, चलिए आगे हटाओ इसको मैं, फर्स्ट क्वेश्चन यस, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन बॉल्स एंड 7 येलो, सेकेंड सम गाइस, अ बैग कंटेन 5 ग्रीन पेंसिल्स एंड 7 येलो पेंसिल्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5 ग्रीन पेंसिल्स है, 5 ग्रीन पेंसिल्स और यहाँ पे है 7 येलो पेंसिल्स, सो ओवरऑल कितना पेंसिल हो गया हमारे पास, 12 पेंसिल्स अलग दो कलर्स के, तो वी गॉट 5 ग्रीन पेंसिल्स एंड 7 येलो पेंसिल्स, पहले शॉर्टकट में सिखाता हूं बाद में लॉन्गकट में सिखाता हूं, तो 5 ग्रीन पेंसिल्स एंड 7 येलो पेंसिल्स, टोटल वी गॉट 12 पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलो, वेरी इजी, तो इवेंट ए क्या रहेगा, फर्स्ट पेंसिल ड्रॉन इज अ कौन सा पेंसिल, येलो, तो इवेंट ए क्या रहेगा, द फर्स्ट पेंसिल चूजन इज येलो, दोनों के दोनों पेंसिल येलो चाहिए ना, देखो The first pencil chosen is yellow. Pehla pencil bhi yellow. The first pencil chosen is yellow. Aur second kya rahega? The second pencil chosen is yellow. Dono ka dono pencil mein ko yellow chahiye. The first bhi yellow chahiye aur dusra bhi yellow chahiye. The first pencil is yellow and the second pencil is also yellow. To do pencil jo maine choose kiya wahan pe dono ke dono mein ko yellow chahiye. दो पेंसिल ड्रॉ किए मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट, टू पेंसिल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलो, तो द फर्स्ट पेंसिल इज येलो, गाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए, अब आपके पास कितने पेंसिल्स थे टोटल, 12, 12 में से पहला पेंसिल आपको क्या मिलना चाहिए, येलो मिलना चाहिए, तो कितना आएगा आंसर, बोलो फटाफट, वेट करो आपका आंसर 7/12 जो पहला येलो पेंसिल निकाला हमने, सिंस द फर्स्ट येलो पेंसिल इज नॉट रिप्लेस इन द बैग, सिंस द फर्स्ट येलो पेंसिल इज नॉट रिप्लेस इन द बैग और इन द बॉक्स, कितना पेंसिल बचेगा, अभी 11 पेंसिल बचेगा ना, 11 पेंसिल्स, वी नाउ हैव 11 पेंसिल्स, वी नाउ हैव 11 पेंसिल्स ऑफ व्हिच 6 आर येलो राइट, आउट ऑफ व्हिच 6 आर येलो, आउट ऑफ व्हिच 6 आर येलो, अभी 6 येलो बचेंगे और 11 पेंसिल बचेगा हमारे पास, तो अभी जो सेकंड इवेंट आएगा ना वो आएगा आपका कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड पेंसिल इज येलो, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड पेंसिल इज येलो, कंडीशन दैट द फर्स्ट पेंसिल इज येलो, कंडीशन दैट द फर्स्ट पेंसिल इज येलो
क्या लिखेंगे इसको आंसर हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, बराबर है। डायरेक्टली करना है डायरेक्टली करो, आपको फॉर्मुला लिख के करना है फॉर्मुला लिख के करो, मेरे को डायरेक्टली करना है तो द आंसर इज 6/11, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। द आंसर इज 6/11, नहीं समझा कि समझा, आया ना? यस यस, तो द आंसर इज 6/11। Probability that since the first yellow pencil is not replaced in the box, we now have 11 pencils out of which 6 are yellow. So probability that second pencil is yellow, condition that first pencil is yellow. The answer is 6/11. The answer is 6/11. ठीक है? चलो आजाओ third sum पे. Third sum पे आजाओ. तुम लोगों को क्या बोला था question में? If the first marble is drawn is red. What is the probability that second marble is blue? The probability that first question था. What is the probability that second both are yellow? तो both are yellow मतलब क्या? Second pencil भी yellow होना चाहिए. Condition that the first pencil निकालो answer. समझ में आया सबको ये? अब we'll move to the third sum. Third sum क्या आया आपको? Third sum है आपका in a sample of 40 vehicles, 18 are red. 40 vehicle में 18 लाल कलर के हैं. जिसमें 6 ट्रक्स है और 6 ट्रक्स में से 2 रेड है. सपोज दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्रक? अलग ही क्वेश्चन है. 40 व्हीकल में 18 गाड़ी रेड कलर के है, 18 गाड़ी में से 6 ट्रक्स है, 40 व्हीकल में 18 गाड़ी रेड कलर के है, 40 गाड़ी में 6 ट्रक्स है और उनमें 6 ट्रक्स में भी 2 रेड है. तो हम लोग ने अगर एक व्हीकल सिलेक्ट किया और वो रेड निकला तो कितना चांसेस है कि वो ट्रक हो? तो आपको बहुत अच्छे समझाता हूं मैं. प्रोबेबिलिटी दैट द व्हीकल इज अ ट्रक गिवन दैट इट इज ऑफ रेड कलर, या फिर कंडीशन लगेगा प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज अ ट्रक गिवन दैट इट इज ऑफ रेड कलर. प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज अ ट्रक गिवन दैट इट इज ऑफ रेड कलर, गिवन दैट इट इज ऑफ रेड कलर. चेक करते हैं अच्छे से, समझने की कोशिश करना. तो हमारे पास कितने व्हीकल्स है, सब नंबर थर्ड का बात करें, हमारे पास कितने व्हीकल्स है ओवरऑल? 40 व्हीकल्स है. तो हम लोग अगर यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करें थर्ड का, तो थर्ड का आंसर कैसे आएगा क्लियरली बोलेंगे हम लोग. देयर आर 40 व्हीकल्स. सो ओवरऑल मेरे पास 40 व्हीकल्स है, तो एन ऑफ एस कितना हो गया मेरे पास? एन ऑफ एस 40 हो गया, ठीक है. अब इवेंट ए क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी उसने जो इवेंट ड्रॉ किया वो रेड कलर का है. तो इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट दैट व्हीकल इज ऑफ रेड कलर. इवेंट दैट व्हीकल इज रेड. इवेंट ये क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी रेड कलर का है, जो मैंने गाड़ी सिलेक्ट किया वो रेड कलर का है. तो इवेंट बी बोल रहा है कि कितना चांसेस है कि ट्रक हो. इवेंट दैट व्हीकल इज अ ट्रक. इवेंट दैट व्हीकल इज अ ट्रक. कितना चांस है कि ये ट्रक हो? इवेंट दैट व्हीकल इज अ ट्रक. ठीक है, इतना समझ में आया ना? हमको पता है गाइस, तो अच्छे से सोचो ना. इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग. हम लोग को ए और बी में ये पता लगाना है कि ए और बी में कॉमन क्या है. ए क्या बोल रहा है? गाइस हमारे पास 18 गाड़ी रेड कलर के और उसमें से 2 रेड ट्रक्स है. सो आउट ऑफ 18 रेड व्हीकल्स 2 आर रेड ट्रक्स. नहीं समझा? 18 लाल कलर की गाड़ी है हमारे पास, उसमें से 2 लाल कलर का रेड है ट्रक्स, ठीक है. तो देखो ना, 40 में से 18 रेड कलर का गाड़ी है और हमको क्लियरली बोला है 6 ट्रक्स में 2 ट्रक रेड कलर के हैं. तो मैं अगर ए और बी में कॉमन निकालना चाहूं तो ए कितना है मेरे पास? 18 रेड व्हीकल और बी कितना है मेरे पास? 2 रेड ट्रक, ठीक है. तो दोनों में कॉमन क्या होगा? कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मैं बोल सकता हूं? 2 होगा. दो रेड ट्रक्स उसमें भी आते ना, 18 व्हीकल में 2 रेड ट्रक्स है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 2. तो ना हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज अ ट्रक कंडीशन दैट इट इज ऑफ रेड कलर. प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज अ ट्रक. सर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी बताओ ना फिर से. एक मिनट, फिर से बताता हूँ. क्या बताऊ बोलो? Probability A intersection B. सोचो अच्छे से. देखो 40 गाड़ी आपके पास, 40 गाड़ी में 18 गाड़ी रेड कलर के, ठीक है ना.
अब इन 40 गाड़ी में 6 ट्रक्स है और 6 ट्रक्स में 2 लाल कलर के, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 18 रेड के 2 ट्रक्स आते हैं, समझ में? इंटरसेक्शन क्या है देखो ना, तो ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है इवेंट दैट व्हीकल इज रेड, मतलब ये, और बी क्या बोल रहा है? इवेंट दैट व्हीकल इज अ ट्रक, तो ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में 2 रेड ट्रक्स इसमें भी आते, 2 रेड ट्रक्स इसमें भी आते हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा? कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? समझा थोड़ा सा आपका? यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 18 लाल गाड़ी में 2 लाल ट्रक्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 2/14 नहीं आएगा? हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, ठीक है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकाला मैंने, एन ऑफ आएगा, सॉरी, यस सर, ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा, गलती हो गया मेरे से, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? तो नाउ क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज ट्रक, कंडीशन दैट वो रेड कलर का है, प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज ट्रक, कंडीशन दैट इज ऑफ रेड कलर, कंडीशन दैट इट इज ऑफ रेड कलर। हम लोगों ने पहले ही एक गाड़ी सिलेक्ट किया, वो रेड कलर का है, कितना चांसेस है कि वो ट्रक है, कितना चांसेस है कि वो ट्रक हो, कितना चांसेस है कि ट्रक हो, तो गाइस प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज ट्रक, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशन दैट इट इज ऑफ रेड कलर, मतलब बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, फॉर्मूला लगा दो चाहिए तो फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/40, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 18/40। सोचा अच्छे से, ए क्या था? व्हीकल इज ऑफ रेड कलर, तो 18 गाड़ी 40 में से रेड कलर के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 2/40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा आपका? 18/40, तो व्हाट द आंसर इज 2/18, एंड 2/18 कितना होता है गाइस? 2/18 बोलो, समझा पाया मैं अच्छे से एवरीवन? यस सर, यस यस, कंडीशन प्रोबेबिलिटी द आंसर वी गॉट इज 1/9, द आंसर दैट वी गॉट इज 1/9, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छे से देख लो, सो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, 18 में से 2 लाल गाड़ी है, तो व्हाट इज द चांस दैट की वो ट्रक हो, तो 2/18 इज द डायरेक्ट आंसर, 2/18 ये समझ में आया सबको पक्का? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सर एक बार फिर से पेपर ना, वो लास्ट वाला है। अच्छा, लास्ट वाला मतलब क्या? ये यस सर, ये सुनो ना, फॉर्मूला पता है ना आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का? पूछा गया है तो हम लोग ने ना एक गाड़ी सिलेक्ट किया, वो गाड़ी रेड कलर का है, कितना चांसेस है कि वो ट्रक हो, हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल इज अ ट्रक, कंडीशन दैट इट इज ऑफ रेड कलर, इट इज अ रेड ट्रक। आपको ये बोला है जो गाड़ी सिलेक्ट किया वो रेड कलर का है, आपको ये बोला गया है जो गाड़ी सिलेक्ट किया है वो रेड कलर का है, कितना चांसेस है कि वो ट्रक हो, तो कितने गाड़ी है रेड कलर के? 18, ठीक है? और कितना ट्रक है रेड कलर का? 2, तो आंसर इज 2/18, 2/18 इज 1/9, ये तो हो गया शॉर्टकट। अब सुनो, व्हीकल इज अ ट्रक, मतलब बी ढूंढ रहे हम लोग, कंडीशन दैट इट इज ऑफ रेड कलर, मतलब ए हो चुका है पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला इसका, एज पर द फॉर्मूला लिख दिया मैंने। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इट विल बी 2/40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका? 18/40, समझा ना? 18 की वाया 18 ट्रक लाल लगे थे 40 में से, व्हाट इज द आंसर? 2/18, एंड 2/18 फाइनली कितना होगा आपका? 1/9, समझा? पक्का आया ना, क्लियर हुआ? 18 लाल गाड़ी में से 2 लाल ट्रक्स है, अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि जो गाड़ी हम लोग सिलेक्ट करके लाए हैं वो रेड कलर का है, तो कितना चांसेस है कि वो ट्रक होगा? सो 18 लाल गाड़ी है और 18 लाल गाड़ी में 2 ट्रक है लाल कलर के, सो इट इज अ चांस दैट द गाड़ी इज अ रेड कलर, 2/18, एंड 2/18 कितना होता है? 1/9, अंडरस्टूड? आई होप कि समझा रहेगा पक्का, समझा? हाँ, है ना? यस यस, विल मूव टू द नेक्स्ट सम।
मैंने पहले बोला ना स्टार्टिंग में कि बहुत जन को ये समझ जाएगा, बहुत जन को शायद आंसर जाएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। मैं फिर भी बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आया हर एक सम, नहीं समझ में आया तो बताया करो मुझे। विल चेक आउट द नेक्स्ट सम नाउ, सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ में क्या बोला है, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो कार्ड्स निकाला हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड, ठीक है। हम लोग को इतना बताना चाहिए, हमने दो कार्ड निकाला, पहला कार्ड निकाल के बाजू में रख दिया, अब दूसरा कार्ड भी डायमंड आने का चांस कितना है, तो क्या इतना सिंपल है, देखो ना, हम लोग को बताया कि फर्स्ट कार्ड आने, फर्स्ट कार्ड डायमंड आने का चांस कितना है, 13/52, बोलो आया ना, यस यस। अब दूसरा कार्ड भी डायमंड आना चाहिए, कंडीशन की आपने जो पहला पत्ता डायमंड निकाला था उसको बाजू में रख दिया, तो अभी कितना डायमंड बचेगा, 12/51 इवेंट ए क्या लिखोगे, द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड, इवेंट बी क्या लिखोगे, द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड, स्टेटमेंट लिख के लो पूरा अच्छे से, मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगा इसको, फटाफट कर के लो खुद से, एवरीवन ओरली मैंने समझा दिया, द आंसर इज 4/17, आप लोग करो निकालो। सर सेकंड का 13/52 आएगा, कितना आएगा 13/52, फर्स्ट का आएगा ना 13/52, सर सेकंड का 12/51, सर सेकंड का फर्स्ट का ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द पैक, उसका 13/52, आप ट्राई करो, मैं कर रहा हूं। हो गया, फर्स्ट का 4/7, अब ध्यान देता है, थोड़ा काम का चीज आगे ध्यान देना, समझो चलो।
चलो आगे जाते थे, तो आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सुनो यहाँ पे हमको पता है कि 52 कार्ड्स में 52 कार्ड्स में 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, हमको पता है 13 डायमंड कार्ड्स, 52 कार्ड्स में 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। हमारा इवेंट ए भी बोल रहा है कि पहला कार्ड भी डायमंड आना चाहिए और इवेंट बी भी बोल रहा है कि दूसरा कार्ड भी डायमंड आना चाहिए। ए बोल रहा है कि डायमंड आना चाहिए और बी बोल रहा है कि डायमंड आना चाहिए, ए और बी दोनों के दोनों डायमंड बोल रहे हैं। इवेंट ए द फर्स्ट कार्ड इज अ डायमंड, इवेंट बी द सेकंड कार्ड इज अ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा आपका 13/52, जिसको आप 1/4 लिख सकते हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड कार्ड इज डायमंड, सेकंड कार्ड इज डायमंड कितना आएगा? सेकंड कार्ड इज डायमंड आएगा आपका 12/51, 12/51 को आप 3 का टेबल लगाओगे 4/17 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी आगे सॉल्व होगा गाइस, हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे थे पूरा, हम लोग सिर्फ सेकंड बॉल निकाल रहे थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोथ आर डायमंड्स, दोनों के दो डायमंड्स होंगे, तो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड्स, सुनना अच्छे से, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड्स, बोथ मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, लिख लेना कि ना टॉप पे कि बोथ मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, बोथ मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा? इवेंट बी नहीं रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए रहेगा, पढ़ाया था मैंने आपको। अब आपने फॉर्मुला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का, गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पढ़ा था ना ये। तो अगर यहाँ से मैं फॉर्मुला बनाऊ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो कितना बनेगा फॉर्मुला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही बनेगा फॉर्मुला इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय कितना है आपका? 4/17, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका? 1/4, 4 गेट कैंसल, द आंसर इज 1/17, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो समझ में आएगा, बोथ आर डायमंड्स, द आंसर इज 1/17, बोलो समझा? हम लोग ने क्या लिखा था? पहला कार्ड डायमंड, दूसरा कार्ड डायमंड। हम लोग ने यहाँ पे पूछा था क्या चांसेस होगा कि दोनों के दोनों डायमंड होंगे, दोनों के दोनों डायमंड मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मुला बनाया यहाँ से, तो आंसर इज 1/17। पहले वाले समय भी अगर जहाँ पे बोथ दिया वहां पे ये करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे बोथ दिया है वहां पे ये करना पड़ेगा। आई होप कि ये सब समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना, समझा सबको पक्का एवरीवन? यस, बोथ आर डायमंड्स, दोनों के दोनों पत्ते डायमंड आने का चांस कितना है? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के दोनों डायमंड आना चाहिए, तो पहला डायमंड आने का चांस 1/4, दूसरा डायमंड आने का चांस 4/17, दोनों डायमंड आने का चांस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4/17 इनटू 1/4 आंसर इज 1/17। ये स्क्रीनशॉट ले लो, डन है, क्लियर हो गया, ठीक है। शायद ये वाला पहले वाले में भी आएगा, क्या बोला था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू? इसका आंसर सेम रहेगा 2/3, ये तो क्लियर है। कहां कहां पे बोर्ड दिया था वो चेक करो, इसका आंसर 2/3 आएगा सर, सेकंड में आएगा, सेकंड व्हाट इज द, हां बोथ आर येलो, सो सेकंड में आएगा, बोथ आर येलो में, इसको हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लिया, यस सेकंड में ही पूछा था ना बोथ आर येलो, तो फर्स्ट येलो आने का चांस कितना था? 7/12 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड का बात कर रहा हूं मैं, सेकंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो सेकंड मार्बल भी ब्लू मिले कितना चांसेस था? 6/11, और फर्स्ट मार्बल ब्लू आने का चांस कितना था? 7/12, दोनों को सॉल्व किया, 1s are 2s are 7/22, देख लो ये हम लोगों ने स्किप कर दिया था, तो आपका सेकंड का आंसर कितना आएगा? 7/22, तो बोथ आर येलो, जहां पे भी बोथ दिया रहेगा वहां पे ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। आई होप कि फर्स्ट टू फोर्थ सम समझ में आया सबको, फर्स्ट टू फोर्थ सम क्लियर है, बोलो हाँ या ना। थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड में ट्रक का दिया था, तो उसका आंसर 1/9 ही आएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट टू फोर्थ सम सबको समझा? फर्स्ट में आपको समझ में आया, सेकंड थर्ड फोर्थ एक बार सिर्फ गो थ्रू करो ना चारों सम्स, देखो समझ में आया क्या? एक बार सिर्फ गो थ्रू करो चारों सम्स, कोई भी सम में डाउट लग रहा है पूछो मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ डाउट लग रहा है प्लीज पूछो मुझे एवरीवन। सर ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं? डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं हम लोग, बट फॉर्मुला के हिसाब से जाएंगे तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि हम लोग टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना किधर। ए इंटरसेक्शन बी आप वो वाला एडिशन थ्योरम से नहीं ढूंढ सकते ना, एडिशन थ्योरम से कैसे ढूंढोगे आप? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग रहा है ना, कंडीशन नहीं लगता तो एडिशन थ्योरम लगता, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कंडीशन लग रहा है ना वो बी बाय ए सर, हाँ बोलो,
वो बी बाई ए इंटरसेक्शन बी अपॉन वो वाला फॉर्मूला से बताओ ना एक बार एक सम करके सॉल्व सर, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकल के ऐसा कौन सा सम बताओ, थर्ड वाला बताया था मैंने, फर्स्ट वाला बताता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या दिया देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ, तीन रेड मार्बल्स है और चार ब्लू मार्बल्स है। फर्स्ट वाले पे आता हूँ, तीन रेड मार्बल्स है और चार ब्लू मार्बल्स है, तो ओवरऑल सात मार्बल्स हो गए। पहला इवेंट दिया है कि हमने दो मार्बल्स निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर पहला मार्बल रेड है तो कितना चांस है कि दूसरा मार्बल ब्लू होगा, रिप्लेसमेंट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा आपको समझ गया रहेगा अच्छे से, तीन रेड है सात मार्बल बॉल, सात मार्बल्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इज 3/7, समझ में आया। अब दूसरा जो आएगा उसमें कंडीशन लगेगा, कौन सा कंडीशन, की पहला रेड बॉल कोई पहले से उठा के लेके गया, पहला रेड मार्बल पहले से गायब हो गया, तो इस पे कंडीशन लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल कंडीशन दैट द रेड मार्बल इज ऑलरेडी ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल कंडीशन दैट अ रेड मार्बल इज ऑलरेडी ड्रॉन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो सोचो थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कंडीशन लग रहा है, यहाँ पे पहला एक रेड मार्बल निकल चुका है, तो अब क्या बचेगा, अब दो रेड बचेंगे और चार ब्लू बचेंगे, तो कितना बच गया, छह मार्बल्स बच गए, छह में से ब्लू आने का चांस कितना है 4/6, और 4/6 का आंसर कितना आएगा 2/3, ये हो गया सिंपल तरीके से। अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से चलाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही चाहिए ना, यस। आपको जो ए और बी में कॉमन क्या है सर, दो रेड मार्बल्स कॉमन है, दो रेड मार्बल कॉमन है, समझा, तो 2/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/7, 3/7 क्या हो गया आंसर, 2/3 हो गया ना फॉर्मूला की तरफ, नहीं समझा अभी थी, समझा सर, क्लियर है, तो पहले ही बता सर, मतलब इंटरसेक्शन बी, बी जो रहता है तो उसमें पूरा लेने का ना, हाँ उसमें जो जो है, ए में क्या था, ए में तीन रेड मार्बल्स है और बी में क्या था, दो रेड मार्बल्स और चार ब्लू मार्बल्स है, यस, ठीक है ना, तो दो रेड मार्बल्स कॉमन थे दोनों में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सम पे आ जाए, सम नंबर 4th तक हो गया हमारा, इसमें डाउट आएगा देखो, पता है डाउट आने वाला टॉपिक है, ये नया टॉपिक है ना, तो 5th वाले पे आते हैं, जो भी डाउट रहेगा उसको नेक्स्ट सेक्शन में करके लेंगे, ठीक है। विल टॉक अबाउट सम नंबर 5th, बोथ वाला याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग, जहां पे भी बोथ दिया रहेगा ना वहां पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। हमारा कौन सा समय अभी, फोर्थ का फर्स्ट, तो फोर्थ का सेकंड करना है अभी, फोर्थ का सेकंड सम बाकी है, देखो दो सम है फोर्थ में, तो फोर्थ का सेकंड सम, From a pack of well-shuffled cards, two cards are drawn at random. Find the probability that both the cards are diamond when the first card drawn is replaced in the pack. अब क्या किया हमने? अब जो हमने diamond card निकाला था, उसको फिर से bag में डाल दिया. Very simple. दोनों का event same ही आएगा. A क्या है? The first card is a diamond. B क्या है? The second card is a diamond. तो अभी इस पे condition लगेगा ही नहीं. What is the profile? The probability that both the cards are diamond. तो दोनों का दोनों क्या रहेगा? Probability of A कितना रहेगा? Probability of A कितना? 13/52. और probability of B by A? 13/52. जो card निकाला था वो फिर से डाल दिया ना हमने. तो condition लगा लेकिन वो कुछ काम का नहीं है. तो 13/52 और दूसरा भी 13/52 आएगा. तो probability of both are diamonds. तो probability of A intersection B क्या हो जाएगा? Probability of B by A into probability of B, sorry into probability of ये आएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका, 1/4 into 1/4, the answer is 1/16. बोलो समझा कि नहीं समझा, everyone, yes, yes. आपको एक hint दूँ मैं, मतलब यहाँ पे probability of B by A
इज एक्चुअली सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हम लोग ने कार रिप्लेस कर दिया ना यहाँ पे, तो रिप्लेसमेंट हो गया तो बी बाय ए और बी सेम होता है. What is the chance of getting diamond card 13/52? 13/52. A replace हो गया ना, तो B by A और B same ही हो गया ना, क्योंकि A का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. A का condition apply नहीं हुआ वहाँ पे. A का condition apply ही नहीं हुआ वहाँ पे. मतलब A B का कुछ नहीं बिगड़ पाया. पहले भी 13/52 आ रहा था, अभी भी 13/52 आ रहा था. और जब एक इवेंट दूसरे इवेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है ना, तो उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट. यू नो काम का टॉपिक है ये, आगे नेक्स्ट समय यूज हो रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट. तो अपना अगला टॉपिक है आज का इंडिपेंडेंट इवेंट. आई होप कि लोगों को समझ में आया. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेकंड बॉल एज डायमंड गिवन दैट द फर्स्ट बॉल विच इज अ डायमंड इज ऑलरेडी रिप्लेस इन द कार्ड. तो यहाँ पे जो हम लोग ने इवेंट ए अपर किया था, वो इवेंट ए बी पे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ये इवेंट बी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. That means event A पे event A का कोई condition नहीं लग रहा है B के ऊपर. So what are independent events? जब एक event दूसरे event पे कुछ फर्क नहीं दिखा पाता है, तो ऐसे events को हम लोग बोलते हैं independent events. Two events are said to be independent if the occurrence of one of the event does not affect the occurrence of the other. एक का occurrence दूसरे को occur के दूसरे के answer में फर्क नहीं create करता है. देखो अगर आपने probability of B भी निकाला होता तो भी 13/52 आया रहता. और आपने अगर बी बाय ए निकाला है तो भी आपका 13/52 आया है. मतलब ए ने बी पे कुछ इफेक्ट नहीं किया है. इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ द अदर देन सच इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आई होप कि ये सब समझ में आया. बाकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं डिटेल में लेके जाता हूँ. ये सब समझा सबको? इस पे इंडिपेंडेंट इवेंट अप्लाई हुआ है. बोलो ये सब समझा? ठीक है. यस यस. टॉपिक पे टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सब लोग का ध्यान होना चाहिए अच्छे से. क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स? बहुत इजी है, मैंने शॉर्टकट में सिखा दिया आपको. कि जब एक इवेंट जो पहले ही ऑकर हो चुका है, वो जब दूसरे इवेंट पे कुछ भी फर्क क्रिएट नहीं करता है, कुछ भी चेंज क्रिएट नहीं करता है, तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाम से समझो ना यार. इंडिपेंडेंट अपना अपना देखो, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट. तू अपना देख, मैं अपना देखेगा. मतलब तेरे में जो भी आया है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो अपना टॉपिक का नाम है अगला इंडिपेंडेंट इवेंट्स. समझना अच्छे से, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंडीशनल प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? एक का दूसरे पे इफेक्ट होता है. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा वो देखते हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आते हैं सबको फटाफट. तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोला जाता है? जब ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ द अदर. इफ द ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट, डेफिनेशन लिखा हुआ है. इफ द ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट, इफ द ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अदर, डज नॉट इफेक्ट द, इफ द ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ does not affect the occurrence of other, then they are called independent events. एक का occurrence दूसरे के occurrence को differentiate नहीं करता है, then they are called as independent events. फर्क समझाता हूँ मैं आपको. सुनो, आप ध्यान देना अच्छे से. formula: if the occurrence of one of the event does not affect the occurrence of other, then they are called as independent event. Kya hoga dekho? Probability of A by B, ye same hota hai probability of A. Kyunki B isse kuch nahi bigad payega. B bhale hi occur ho chuka hai, but B iske answer mein kuch bhi difference create nahi kar pata. So probability of A by B is actually probability of A. Similarly, probability of B by A क्या होना चाहिए बोलो? Probability of B by A क्या होना चाहिए बोलो? Probability of B. Probability of B. पढ़ाया था पिछले लेसन में probability of B. तो probability of A by B is probability of A. Probability of B by A is probability of B. And therefore यहाँ से formula बनता है. Probability of A intersection B. हमने formula बनाया था ना? क्या था formula probability of A intersection B का? Probability of B by A into probability of A. ये पहला formula था इसका. और इसका दूसरा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
बट आपको पता है क्योंकि आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं बी बाय ए को बी लिख सकता हूँ, आया ना? क्या मैं ए बाय बी को सिर्फ ए लिख सकता हूँ? थोड़ी सा फॉर्मुला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट वी गॉट अ फॉर्मूला द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस इज अ फॉर्मूला वी गॉट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. When two events are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में? Everyone, जब एक का occurrence दूसरे के occurrence को effect नहीं करता है, such events are known as independent events. नाम से समझ देखो लो ना यार, अपना अपना खेलेंगे, कोई किसको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? So if the occurrence of one of the event does not affect the occurrence of other. एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस में कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, सच इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट. कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. इवेंट बी ऑकर हो कुछ भी हो, ए को फर्क नहीं करेगा वो. सो दिस एंड दिस आर सेम. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सच दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, कुछ भी हो इवेंट बी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो ए बाय बी इज एक्चुअली ए, बी बाय ए इज एक्चुअली बी, एंड द फॉर्मूला गेट चेंजेस इनटू probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Hope it is clear to everyone. Understood? Pakka? Samjha? Aaya na? Yes. Definition formula dekh lo acche se, samajh ke lo acche se. Ek baar. Everyone. Theek hai? समझा रहेगा सबको? इंडिपेंडेंट इवेंट्स इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. अच्छे से डेफिनेशन देख लो. तो अगर आपको बोला जाए बताओ ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है क्या, तो ये फॉर्मुला चेक करने का. अगर ये फॉर्मुला सेटिस्फाई हुआ तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. अगर ये फॉर्मुला सेटिस्फाई हुआ तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अगर फॉर्मुला सेटिस्फाई हुआ तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. हम लोग को चेक करना होता है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है क्या. अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मुला सेटिस्फाई होना चाहिए. विल मूव टू द properties of independent events. फटाफट properties पे चलते हैं इसका, इसको फटाफट एक बार read करके लो. When two events are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Is equal to probability of A into probability of B. When two events are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ठीक है? I will move to the properties of independent events. Some important notes that we have to write for independent events. Check करते हैं, ध्यान देना सब लोग अच्छे से. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को लिखना है. मैं कुछ टेक्स्ट बुक से देख के बता रहा हूँ आपको. दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स में इंडिपेंडेंट होते हैं. इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट. वी नीड टू मेक सम थ्योरम्स नाउ. सम इंपॉर्टेंट नोट और प्रॉपर्टीज वी कैन से, सम इंपॉर्टेंट नोट्स. सबसे पहले क्या रहेगा, अगर ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, गाइस, अगर ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन इसके कॉम्प्लीमेंट्री में इंडिपेंडेंट होंगे, देन ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट. A and B dash are also independent event. A or B dash भी independent होगा, A dash और B भी independent होगा, A and B dash are also independent event. दूसरा, A dash and B dash are also independent event. मतलब अगर दो events independent है तो उसका हर एक categorization भी independent होगा, ठीक है? तो A dash and B dash are also independent events. Are also independent events. A dash and B dash are also independent events. समझ में आया? ठीक है, clear है, अच्छे से आदत नहीं है. ये एक important property है. Independent events can be complement. आवाज नहीं आ रहा, वापस बोलो please. सर ये independent events कैसे होंगे? A और B complement? Example लेके समझाऊं चलेगा बाद में? अभी बताऊं क्या? Yes sir, yes. अगर देखो ना, अगर मैं बोलूं कि A और B independent है, A और B इंडिपेंडेंट है, तो मतलब B का ऑकरेंस A को इफेक्ट नहीं करता, A का ऑकरेंस B को इफेक्ट नहीं करता,
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, तो सोचो ना ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया। तो अच्छे समझते हैं, एग्जांपल लेना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। मान लो कि इवेंट ए है जो मांग रहा है डायमंड कार्ड, और इवेंट बी है जो मांग रहा है क्या मान लो कि स्पेड कार्ड, ठीक है। इवेंट ए और इवेंट बी, तो डायमंड का आंसर कितना आया 13/52, स्पेड का भी आंसर कितना आएगा 13/52, क्योंकि ये इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। या तो इसको भी डायमंड ही ले लेते ना, इसको इसका भी डायमंड ही ले लेते, कितना आया आंसर 13/52, समझा। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉन डायमंड कार्ड, तो नॉन डायमंड कार्ड क्या होगा दोस्त, नॉन डायमंड कार्ड होगा 39/52, तो यहाँ पे भी नॉन डायमंड ही आएगा ना, तो ये भी तो क्या आंसर सेम ही आना है, कुछ फर्क पड़ा क्या। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा ना, जब ए और बी से कुछ लेना देना नहीं है तो उससे कॉम्प्लीमेंट से क्या लेना देना होगा, क्लियर है, थोड़ा सा समझा। ए एंड बी डैश कैसे है, ये वाला फर्स्ट वाला, यस सर फर्स्ट। देखो आपको बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से, सुनो सेकंड वाला समझा, फर्स्ट वाला एक मिनट रुको, फॉर्मूला सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, वो तो कंडीशनल था हो गया ना, अभी जो मैंने पढ़ाया वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पढ़ाया ना मैंने यार, हां यस 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 यस, आप या तो इसको ऐसा लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश लिखो यार, बी का कुछ फर्क पड़ता है क्या इस पे, तो बी डैश का फर्क पड़ेगा क्या, B is negligible, B मेरे कुछ काम का नहीं है, तो B dash भी मेरे काम का नहीं है, both are equal to probability of A, B का कुछ इफेक्ट हुआ क्या A पे, तो B कॉम्प्लीमेंट का इफेक्ट होगा क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, A and B are independent, तो A और B dash भी independent होगा ना यार, and both are equal to what, both are equal to probability of A, similarly एक और पढ़ने का formula सुनो, probability of B by A, A का कुछ फर्क पड़ता है B पे, इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे ना यार, बी और ए इंडिपेंडेंट है तो बी और ए डैश भी इंडिपेंडेंट, लिखा मैंने पहले वाले में, देखो ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, समझा, अगर बी ए पे कुछ इफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो बी डैश भी ए पे कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो a by b को आप a by b dash भी लिख सकते हो, b by a को आप b by a dash भी लिख सकते हो, बोलो समझा, आया ना, yes yes yes, तो वैल्यू अलग आएगा ना b by a और b by a dash, आंसर क्या है फाइनल, a, वैल्यू कुछ भी आए उसका, ये तो है ही ना, ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप समझ रहे क्यों नहीं हो, सिर्फ दिखाने के लिए है कि इवेंट हो चुका है, बट ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस क्योंकि कार्ड रिप्लेस हो चुका है, मतलब पहले जितना आने वाला था अभी भी उतना आने वाला है, ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वैल्यू कैसे चेंज होगा, आप जो बोल रहे हो बी और बी डैश का आंसर अलग लगेगा, आई एग्री, बट बी और बी डैश ए पे कुछ इफेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो द आंसर इज ए ओनली, समझा, थोड़ा सा जब सम सिस्टम बना होगा समझ आएगा, इधर पे भी ए और ए डैश का आंसर अलग आएगा, बट ए और ए डैश बी पे कुछ इफेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो द आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप लोग को इतना याद रखना है कि एक इवेंट जो पहले से हो चुका है वो दूसरे इवेंट पे कोई भी बदलाव नहीं लाएगा, कोई भी चेंज नहीं लाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी अकर्ड हुआ तो क्या हुआ, आंसर तो यही रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशन दैट बी डैश हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी डैश का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्या हो गया, ए अकर्ड हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी given that a dash has already occurred, a dash has no effect on b, therefore the answer is probability of b, understood hai kya, bolo aaya na, yes yes, you have to remember that if two events are independent then what is the formula, when two events are independent a intersection b is actually equal to probability of a into probability of b, ye formula acche se aana chahiye, agar two events independent hai to ye formula satisfy hona chahiye, kyunki ek ka occurrence dusre ke occurrence ko koi farak nahi karta, ये भी फॉर्मूला कहां से आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया है, ये फॉर्मूला कहां से आया, a by b को मैंने a लिख दिया, b by a को मैंने b लिख दिया, समझा,
मैंने पहले ही करके दिखाया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सुनो ना कंडीशनल का फॉर्मूला बोलो. कंडीशनल का फॉर्मूला क्या था? कंडीशनल का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये था फॉर्मूला. फॉर्मूला था क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी is equal to probability of A intersection B upon probability of B. 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 Agree? अब क्योंकि events independent है, तो क्या मैं probability of B by A को probability of B लिख सकता हूँ क्या? Independent. Yes. And this is equal to probability of A intersection B upon probability of A. What is the answer? Therefore, probability of A intersection B is equal to multiply करो cross multiply. Probability of A into probability of B. This is the answer. Same way यहाँ पे भी. अगर events independent है, तो हमें probability of A by probability of A. Probability of A intersection B upon probability of B. Again, we are getting the same formula. So what are the formulas we are going to get when two events are independent? When two events are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Is equal to probability of A into probability of B. तो आपको फॉर्मुलाज अच्छे से याद रखना गाइस. अगर दो इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना. बट अगर वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑकरेंस इसको कुछ फर्क नहीं क्रिएट करेगा, इसका ऑकरेंस इसको कुछ फर्क क्रिएट नहीं करेगा. तो बी बाय ए इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए बाय बी इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये इस पे कोई इफेक्ट दिखाई नहीं रहा है, B इस पे कोई इफेक्ट दिखाई नहीं रहा है. सो बी बाय ए इज एक्चुअली बी एंड ए बाय बी इज एक्चुअली ए. द फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट इज व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इट मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बोलो समझ में आया? कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो और अच्छे से करेंगे. आई होप कि ये भी समझ में आया. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी और ए डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे. बोलो समझ में आया? क्योंकि B अगर कुछ फर्क नहीं दिखा रहा है तो B डैश भी कुछ फर्क नहीं दिखा सकता, ठीक है. समझ में आ गया पक्का? क्योंकि तेरे घर में क्या हो रहा है मेरे घर से कुछ मतलब ही नहीं है. इन शॉर्ट ऐसा बात कर सकते हैं हम लोग. A एंड B आर डिफरेंट रूम्स, दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है. अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझ में आया पक्का? और डिटेल में करेंगे जब कल के लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे, ठीक है. अच्छे से नोट कर लेना इसको. अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है